तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो V23 जो कि एक 5G स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से वी सीरीज में। ये जो डिवाइस है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसिंग जो है वो भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे 29990 का आपको बेस वेरियंट देखने को मिलता है 8128, और वहीं इसका जो हायर वेरियंट है वो आपको देखने को मिलता है 34990 का जो कि है 12/256 GB। यहाँ पे रैम और रोम तो काफ़ी ज़्यादा भर के दिया गया है इस फ़ोन में, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रीजंस बताऊंगा कि आपको इस स्मार्टफोन में क्या क्या ऐसी खूबी देखने को मिलती है जो कि आपको कंसीडर करने को मजबूर कर देगी इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे कोई भी एक स्मार्टफोन लेने से पहले ना इंसान सबसे पहले उसके डिज़ाइन को देखता है। यहाँ पे डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस अगर होती है तो स्मार्टफोन को पिक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। वहीं यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको एग्जैक्टली जो है आईफोन के सीरीज से देखने को मिलेगा जो कि 13 सीरीज से आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक जो फीचर है वो है इसका डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया देखने को मिलता है, इवन कि इसका जो गोल्डन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पे जो डिवाइस है ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और काफ़ी ज़्यादा इन हैंड फील आपको बढ़िया देखने को मिलेगा इसका। कलर के मामले में आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, स्टारडस्ट ब्लैक और सनशाइन गोल्ड। यहाँ पे सनशाइन गोल्ड में आपको एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर मिलता है कि ये इंडिया फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है। अगर इस फ़ोन पे यूवी रेस पड़ती हैं तो इसका कलर जो है गोल्डन से ब्लू हो जाता है। ये एक वन ऑफ दी जो है फर्स्ट फीचर है जो कि इंडिया के किसी भी स्मार्टफोन में आया है। कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टारडस्ट ब्लैक कलर जो है इसका उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलता। आपको कौन सा कलर पसंद है इनका वो तो आप कमेंट में बताना। मेरे को स्टारडस्ट ब्लैक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि गोल्डन कलर टम में इतना बढ़िया शायद ना लगे। करते हैं सेकंड फीचर की। यहाँ पे जो है आपको फ्रंट कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आपको 50+8MP का डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, इसीलिए आपको एक जो है नॉच देखने को मिलती है इस फ़ोन में जो कि 2022 में भी मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे ये जो फ़ोन है एक अपडेटेड फ़ोन है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको पुराना लगेगा, लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वीवो के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा जो है माने जाते हैं सेल्फी के लिए, वहीं इसका जो सेल्फी कैमरा वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे डुअल फ्रंट कैमरा मिल रहा है आपको, 50MP का जो सेंसर है वो 2.0 एपर्चर के साथ आता है, वहीं 8MP वाला सेंसर 2.8 एपर्चर के साथ आता है। कि बात ये है कि इसके कैमरा में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मैं गिनाता थक जाऊँगा। यहाँ पे कैमरा फीचर्स में ऑटो फोकस, AI, एक्सट्रीम नाइट, स्टडी फेस सेल्फी, ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आप देखेंगे जो कि आपको वीवो के या फिर फ्लिपकार्ट के साइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है डाउनग्रेड मेरे को लगी कि फ्रंट कैमरा में आपको 4K 60fps का ऑप्शन नहीं मिलता, आप ओनली 4K 30fps या फिर 1080p 60fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। पे EIS का सपोर्ट ज़रूर है, आप वीडियोस में EIS का सपोर्ट ले सकते हो। तो इवन कि यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा वो 1080p 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन 50+8MP का जो फ्रंट कैमरा है वो आपको काफ़ी अच्छी सेल्फीज लेके दे सकता है जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको किसी स्मार्टफोन में कलर चेंजिंग जो है फ्लैश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा में आपको डुअल टोन फ्लैश लाइट देखने को मिलता है जिसमें एक वार्म लाइट है एक कूल लाइट है, जिससे कि आप अगर सनलाइट में वीडियोस या फिर फोटो ले रहे हैं तो आप जो है वार्म लाइट का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएगा। वहीं आप जो है लो लाइट में अगर इमेजेस क्लिक कर रहे हैं तो आप लो लाइट में कूल लाइट का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा पंची इमेजेस मिलेंगे। के जो भी मैंने फीचर्स बताए उनमें आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। प्लस पॉइंट की तरफ, यहाँ पे फोर्थ प्लस पॉइंट है इसका OS। यहाँ पे फ्रंट टच OS 12 और एंड्रॉयड 12 पे ये जो है डिवाइस आता है, तो लेटेस्ट UI आपको मिल रहा है और फ्रंट टच OS 12 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है वीवो ने। यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, इवन कि कैमरा में भी इतने सारे फीचर्स हैं कि आप यूज़ करते थक जाएंगे। वहीं UI में भी इतने सारे ट्विक्स किए गए हैं और आइकन्स को भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल बनाया गया है, UI काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको जब आप इस डिवाइस को यूज़ करेंगे। इसका डिस्प्ले, इसके प्राइस सेगमेंट में जितने भी डिवाइसेस आते हैं उसमें आपको H2S डिस्प्ले बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो डिवाइसेस में आपको बिल्कुल H2S डिस्प्ले मिलता है और वहीं आपको 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये जो डिवाइस है ये काफ़ी ज़्यादा पंची है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। वहीं आपको यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी बढ़िया है और H2S डिस्प्ले होने से आपको एक जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी लोगों को इसके नॉच से जो है प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी सही लगा, तो उसके हिसाब से नॉच देना बनता है, कोई इशू नहीं है उसमें।
प्लस पॉइंट्स, लेकिन इसी के साथ साथ आपको और भी प्लस पॉइंट गिनाता चलूं, जैसे कि इसका मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 चिपसेट जो कि पावरफुल है, वहीं 5G को सपोर्ट करता है और बैटरी एफिशिएंट भी है। वहीं इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको आई ऑटो फोकस मिलता है जो कि ग्रुप सेल्फीज के काम आता है और ग्रुप वीडियोज़ के भी। वहीं इसका जो 44 वाट फ्लैश चार्जर है वो आपको काफ़ी जल्दी बैटरी को चार्ज करके दे देगा। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है जो कि आप देख सकते हैं वीवो V23 अगर आप लेना चाहते हैं 2022 में तो आप खरीद सकते हैं, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में ये मिल जाएगा। और आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, मैं बता सकती हूँ वीडियो में। तब तक के लिए बाय।